गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम वैज्ञानिक पद्धति का कल अभिप्राय अर्थ जाना था। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के जो मुख्य चरण है इन चरणों के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें वैज्ञानिक पद्धति हम बोल रहे हैं तो राजनीति विज्ञान में या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे तो वैज्ञानिक पद्धति के कुछ क्या होते हैं, चरण होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे तो इसके निम्न चरण होते हैं, निम्न सिद्धि दर सिद्धियाँ होती है और उसी के अनुसार उस पद्धति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। लुंडबर्ग एक वैज्ञानिक था, एक राजनीति शास्त्री था लुंडबर्ग। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के वो चार चरण बताए हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ ले दो नंबर वाला कि लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक जो पद्धति है इसके कितने चरण बताए, कितने बताए, चार चरण बताए हैं। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण बताए हैं, चार बताए हैं। सबसे पहला है काम चलाओ संकल्पनाएं, काम चलाओ संकल्पनाएं। कहने का मतलब यह है कि कल्पना, सबसे पहले हमारे को संकल्पना कल्पना करना, उस जिसके लिए हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करेंगे उस मैटर को, उस विषय वस्तु को पहले क्या करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। तो पहला है काम चलाओ संकल्पनाएं, दूसरा है तथ्यों का निरीक्षण, जो हमारा तथ्य है विषय वस्तु है, तथ्यों का निरीक्षण या आलेखन, तथ्यों का निरीक्षण व आलेखन। लुंडबर्ग ने जो अपने वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए इसमें सबसे पहले हम संकल्पना कल्पना का निर्माण करेंगे, उसके बाद में तथ्यों का निरीक्षण करेंगे, जो हमारे तथ्य है उसका निरीक्षण करेंगे, उसका आलेखन करेंगे, मतलब उनका अवलोकन करेंगे। तीसरी जो चरण इसने बताया है लुंडबर्ग ने वो है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण, जिन तथ्यों का हमने संकलन किया है जिन तथ्यों को हमने इकट्ठा किया है उन तथ्यों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे उनका, और उनका क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे। और चौथी जो चरण बताया है लुंडबर्ग ने वो है सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है हम वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चरण पढ़ रहे हैं। ये राजनीति शास्त्री लुंडबर्ग है, इसने कितने बताए, चार बताए हैं, इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले काम चलाओ संकल्पनाएं, दूसरा है तथ्यों का निरीक्षण व आलेखन, तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व संगठन, और चौथा है सामान्यकरण। ये चार चरण किसने बताए हैं, लुंडबर्ग ने बताए हैं। रोनाल्ड यंग है, इसने भी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सत्यता तक पहुँचने के लिए, ये रोनाल्ड यंग है। एक दूसरा राजनीति शास्त्री है रोनाल्ड यंग, इसने कितने चरण बताए हैं, पांच चरण बताए हैं, कितने चरण बताए हैं, पांच चरण बताए हैं। लुंडबर्ग ने चार बताए हैं तो रोनाल्ड यंग ने कितने चरण बताए हैं, पांच चरण बताए हैं। सबसे पहला इसने है वही कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण करना, पहला चरण है वो कार्यकारी, जो हम कार्य करेंगे कार्यकारी पहला चरण है कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण करेंगे, दूसरा है तथ्यों का पर्यवेक्षण करेंगे, तथ्यों का क्या करेंगे, तथ्यों का पर्यवेक्षण करेंगे, मतलब तथ्य पर्यवेक्षण करेंगे या संकलन, या क्या करेंगे, संकलन, मतलब इनका इकट्ठा करेंगे। पहला है कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण करेंगे, दूसरों का तथ्य का पर्यवेक्षण या संकलन करेंगे, तीसरा जो चरण बताया है रोनाल्ड यंग ने वो है आंकड़ों का या श्रेणियों में वर्गीकरण, उनको श्रेणियों में, श्रेणीक्रम में वर्गीकरण, उसको श्रेणीक्रम में, मतलब उसको क्रमबद्ध तरीके से वैज्ञानिक अपन पद्धति का प्रयोग करते हैं तो विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान है, तो उसको श्रेणीक्रम में लगाएंगे, श्रेणीक्रम में वर्गीकरण या आंकड़ों का अनुक्रम, मतलब आंकड़े है उसको अनुक्रम में क्रम के अनुसार क्या करेंगे, उसे सजाएंगे।
चौथा जो चरण है वो है वैज्ञानिक सामान्यकरण। आपस में उसमें सामान्य चीजें क्या है, वैज्ञानिक सामान्यकरण जनरलाइजेशन करेंगे उनका। और जो पांचवा चरण इन्होंने बताया है वो है नियमों का प्रतिपादन। नियमों का प्रतिपादन, तो हम वैज्ञानिक पद्धति के चरण पढ़ रहे हैं आज। और वैज्ञानिक पद्धति के चरण है इसका दोनों ही जो विचारक है इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला लुंडबर्ग है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के मुख्य चार चरण बताए हैं। पहला काम चलाओ संकल्पना है, संकल्पना का निर्माण करना। दूसरा तथ्यों का अवलोकन करना। तीसरा संकलित तथ्यों का संगठन बनाना। और चौथा है सामान्य जनरलाइजेशन करना। रोनाल्ड यंग ने पांच चरण बताए, पहले उसने बताया परिकल्पना का निर्माण करना ही है। दूसरा तथ्यों का पर्यवेक्षण अवलोकन करना मतलब संकलन करना। तीसरा है उसको श्रेणीकरण में जचाना। चौथा है वापस सामान्यकरण करना। और पांचवा है फिर नियमों का क्या करना, प्रतिपादन करना। यह है वो वैज्ञानिक पद्धति है, इसके मुख्य चरण थे। अब अर्नाल्ड ब्रेस्ट है, अर्नाल्ड ब्रेस्ट इन दो का हमारे को ध्यान रखना है। अर्नाल्ड ब्रेस्ट के जो चरण है इसका है वो मुख्यतः क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। लुंडबर्ग ने चार बताए थे, रोनाल्ड यंग ने कितने बताए, पांच बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्नाल्ड जो ब्रेस्ट है अर्नाल्ड ब्रेस्ट के जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले ये क्या कहता है, अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने जो वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताया इसमें सबसे पहला है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन। इसमें वस्तुओं घटनाओं और तथ्यों को, वस्तुएं हैं घटनाएं हैं तथ्य हैं, इनका इंद्रियों के द्वारा क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है मतलब देखा जाता है। पर्यवेक्षण का मतलब यही है जो भी हमारे पास में वस्तु है घटना है सार है इनका क्या किया जाता है, वस्तु घटना सार इनका पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। उसके लक्षणों और गुणों को पूर्ण सिद्ध होने तक लगभग निश्चितता के साथ स्वीकारिया, उनके गुण है वो गुण जो हम नियम ले रहे हैं उसमें वो गुण है अपन सत्यता तक पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे तो उनको स्वीकार या अस्वीकार करना। उसके लक्षणों और गुणों को पूर्ण सिद्ध होने तक के पहले लगभग निश्चितता के साथ स्वीकार या अस्वीकार करना। कई बार देखी या सुनी हुई बातें, कई बार हम क्या देखते हैं, देखी हुई या जो सुनी हुई बातें बाद में क्या हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है या वो गलत हो जाती है। तो नए तथ्यों के प्रकट होने पर वैज्ञानिक अपने विचार या अनुभव को बदलने के लिए क्या करता है, तैयार रहता है। तो पहला है पर्यवेक्षण है, दूसरी जो इसने वैज्ञानिक चरण वैज्ञानिक पद्धति का चरण बताया वो है वर्णन, डिस्क्रिप्शन। वर्णन है, वर्णन में यह है इस क्रम में परिवेक्षित वस्तुओं घटनाओं या तथ्यों का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी विषय वस्तु है घटना है उसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, उनका क्या करेंगे, व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे, वर्णन करेंगे। उस वर्णन का सिद्ध होने से पूर्व तक सही और पर्याप्त निर्णय के रूप में स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं। और नए साक्ष्य के प्रस्तुत होने पर उस वर्णन को क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो पहला पर्यवेक्षण है, उसके बाद में उस घटना या वस्तु का क्या करेंगे, विस्तृत रूप में वर्णन करेंगे। तीसरा जो चरण बताया है वो है मापन। अगर कोई वस्तु घटना या विषय सामग्री जिसको अगर हम माप सकते हैं तो उसका क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अध्ययन से संबंधित वस्तु घटना या तथ्य अगर परिमापनीय है, अगर हम उसको मापने की क्षमता है भाई माप सकते हैं तो उनका क्या करेंगे, मापन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। चौथा जो चरण बताया है अर्नाल्ड ब्रेस्ट ने वो है स्वीकृति या अस्वीकृति। स्वीकृति या अस्वीकृति, जिस तथ्य को घटना को विषय वस्तु को सार को हमने जो वैज्ञानिक पद्धति चरण में करते हैं वो स्वीकार किया जा सकता है या वो अस्वीकृत है, तो इसका करेंगे। उपरी जो तीनों क्रम है, सबसे पहले हमने परीक्षण कर दिया, अवलोकन कर दिया उसका, फिर उसका वर्णन कर दिया, मापन कर दिया। इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद में अगला चरण वो क्या है, विषय वस्तु की स्वीकृति या अस्वीकृति है। और इसमें क्या है, इसमें तीनों क्रमों के पश्चात उक्त वस्तु या घटना या तथ्यों को आंकड़ों आधार सामग्री
या वास्तविकता के रूप में अस्थायी रूप में स्वीकृत या अस्वीकृत करना होता है। जो भी हमारे पास आंकड़े है, तथ्य है, घटना है, ठीक है, उनको हम स्वीकृत कर पाएंगे, अस्थायी रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत, ये हम करेंगे। इसका अर्थ यह है कि पर्यवेक्षण, वर्णन और मापन के परिणामों के अनुसार तथ्यों को जानना या स्वीकार करना। हमने जो ये पर्यवेक्षण किया है, वर्णन किया है, मापन किया है, तो ये आंकड़े वो क्या है, सही है या गलत है, ये हम जानते हैं, स्वीकार करते हैं। उन्हें असत्य सिद्ध होने पर क्या कर देंगे, अगर सत्य है तो स्वीकृति दे देंगे, और अगर असत्य है तो क्या कर देंगे, अस्वीकृत कर देंगे। अगला जो चरण है वो है आगमनात्मक सामान्यकरण। आगमनात्मक सामान्यकरण, ये दो पद्धतियां हैं, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक है वो क्या है, वैज्ञानिक पद्धति। इसमें हम पहले क्या करेंगे, उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, संपूर्ण से संकुचित की ओर अध्ययन करेंगे। तो आगमनात्मक सामान्यकरण है, इसमें अस्थायी तथ्यों को एक तथ्यात्मक परिकल्पना के रूप में प्रयोग करना होता है। जो अस्थायी तथ्य हैं उन पर क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, हम कल्पना करेंगे अस्थायी तथ्यों पर, और इसमें तथ्यों को अस्थायी तौर पर उनके सामान्य गुणों या घटनाओं से उन तथ्यों को कल्पना करेंगे, उनके जो सामान्य गुण है, घटनाओं को सामान्य गुणों से क्या किया जाता है कि उनके जो सामान्य गुण क्या है उनसे उनको जोड़ा जाता है। जैसे हम उदाहरण यहाँ लें तो मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें क्या हुआ था, उस समय हमारे देश में आंतरिक आपातकाल, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया था किसने, इंदिरा गांधी ने। तो जहाँ पर आपातकाल का असर ज़्यादा रहा था, जैसे उत्तर भारत में असर ज़्यादा रहा था, और इसके कारण वहाँ पर कांग्रेस की सीटें नहीं आई, वहाँ पर किसकी आई थी, जनता दल की या विपक्षी दल की सीटें ज़्यादा आई थी। तो इसका कारण ये क्या है, इसमें देखो मार्च 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों को विशेषतः हम उत्तर भारत के राज्यों को देखकर कांग्रेस की हार के संदर्भ में तथ्यात्मक परिकल्पना में रख सकते हैं। जहां आपातकाल में अत्यधिक अत्याचार हुए, वहां जहां पर आपातकाल में अत्यधिक अत्याचार हुए वहां पर जो कांग्रेस थी उसकी क्या हुई, बुरी तरह हार हुई। तो आगमनात्मक सामान्यकरण का मतलब होता है घटना में क्या करना, आपस में जोड़ना उसको, उस तथ्य के साथ में क्या करना, जोड़कर अध्ययन। सामान्यकरण का मतलब होता है जोड़कर अध्ययन करना। तो यह है, तो कहने का मतलब ये, जिस घटना का जहाँ पर ज़्यादा असर होता है उसी का क्या होता है, परिणाम नजर आता है। अगला चरण है जो इसका, वो है व्याख्या, एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, व्याख्या करेंगे। हमने जो भी घटना ली है व्याख्या में है, व्याख्या शब्द या निश्चित अर्थ में स्पष्ट अर्थ में प्रयोग किया गया है, और हम किन्हीं परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं उसका अर्थ ये होता है कि उन परिघटनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित, व्यवस्थित और वर्गीकृत करते हैं। व्याख्या का मतलब वही है, हम उनको निश्चित शब्दों से क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, उनका अर्थ बताएंगे कि इसका यह निश्चित अर्थ होता है, निश्चित परिभाषा बताएंगे, वही क्या होती है व्याख्या। निश्चित ये शब्द है, निश्चित ये इसकी परिभाषा है, निश्चित ये क्या होता है, इसका अर्थ प्रकट होता है, यही क्या है, यही व्याख्या है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके पश्चात हम इन परिघटनाओं को तार्किक रूप से तथ्यों, घटनाओं और अन्य जो घटनाएं उनके साथ मिलकर क्या करेंगे, संबंध जोड़ेगी हम। तो ये व्याख्या का मतलब यही है, हमने जिस तथ्य, घटना, विषय वस्तु या सार है उनके निश्चित शब्दों से उनको परिभाषित करेंगे, उसका अर्थ है वो बताएंगे। अगला जो चरण है सातवां, वो है तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण। तार्किक निगमनात्मक, तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण, तार्किक निगमनात्मक युक्तिकरण है, इसमें है वो उपलब्ध ज्ञान का क्या होता है, विश्लेषण होता है। जो ज्ञान हमने उपलब्ध किया है, जो हमारे पास में ज्ञान है, उस ज्ञान का हम क्या करेंगे, विश्लेषण, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तार्किक निगमनात्मक तो नियम से उदाहरण की ओर
ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो नियम है उनके माध्यम से हम उदाहरण की ओर पहुंचेंगे, और जो हमारे पास उपलब्ध विषय वस्तु है, घटना है, उसको क्या करेंगे, उसका विश्लेषण कर देंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे उसकी, क्या वो सही है या नहीं है। अगला जो आठवां चरण है वो है परीक्षण या जांच, परीक्षण या जांच। इसमें ये टेस्टिंग करेंगे हम उपयुक्त प्रक्रिया में आने वाली उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को पुनः परीक्षण किया जाता है। हमारे जो उपलब्धियां हमने हासिल की है या जो हमारे को निष्कर्ष, जो भी हमने उपलब्धियां हासिल की है या जो निष्कर्ष है जिनको हमने प्राप्त किया है, उनका क्या किया जाएगा, वापिस उनका परीक्षण किया जाएगा या उसकी जांच की जाएगी। उपलब्धियों तथा निष्कर्षों को पुनः परीक्षण किया जाता है, अर्थात नवीन तथ्यों या घटनाओं के संदर्भ में, नवीन जो तथ्य हमने जो नवीन तथ्य प्राप्त किए हैं, जो नवीन घटनाएं हैं उनके संदर्भ में उनको क्या किया जाता है, देखा जाता है कि आगमनात्मक सामान्यकरण अथवा तार्किक निगमनात्मक जो युक्तिकरण है वो सही सही उभरता है, या हमने जो दोनों ये पद्धतियाँ हैं यहाँ पर आगमनात्मक सामान्यकरण और जो निगमनात्मक जो सामान्यकरण है, ये दोनों है जिनसे हमारे को ये उपलब्धियाँ या निष्कर्ष है या नवीन तथ्य या घटनाएं जो प्राप्त हुई है वो सही है या गलत है, इसके लिए हम दोबारा इसका क्या करेंगे, परीक्षण या जाँच करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। अगला है वो है संशोधन, नौवां है वो है संशोधन। हमने दोनों विधियों को देख लिया, दोनों पद्धतियों को देख लिया, और अगर हमारे को इसमें कोई संशोधन करना पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, संशोधन करेक्शन। इसमें ये वैज्ञानिक निष्कर्ष काम चलाउ होते हैं और उन्हें प्रमाणित न होने तक ही स्वीकार किया जाता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष वो क्या होते हैं, काम चलाउ होते हैं, और उनको जब तक हम प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक ही क्या किया जाता है, स्वीकार किया जा सकता है। जब प्रमाणित कर देंगे तो वास्तविक हमारे सामने आ जाएगा। उपयुक्त विधि का पालन करते हुए इस स्तर पर यदि सामान्यकरण असंगत प्रतीत हो तो उसमें क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संशोधन करेंगे। यहाँ पर हमारे को लगेगा कि हमने जो तथ्य है, घटना है, विषय वस्तु है वो क्या नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, क्योंकि वो घटना क्या नहीं है, सही नहीं है, असंगत है, इसलिए उसमें क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। दसवां जो वैज्ञानिक पद्धति का चरण है वो है पूर्व कथन। अगला चरण है वो है पूर्व कथन। पूर्व कथन में क्या है, ये प्रेडिक्शन है। पूर्व कथन ही विज्ञान की प्रायोगिक भूमिका तैयार करता है। ये पूर्व कथन होता है, यही विज्ञान की जो वैज्ञानिक भूमिका है उसको क्या करता है, तैयार करता है। पूर्व कथन के माध्यम से ही हमारी जो वैज्ञानिक भूमिका है वो क्या होती है, तैयार होती है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर, तथ्यों का हमने विश्लेषण किया है, विश्लेषण करते हैं जो यहाँ पर हमने निगमनात्मक में, तो जो तथ्यों का हमने विश्लेषण किया है इसमें भविष्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य की कथन की जो क्षमता है वो होनी चाहिए, कि भविष्य में जो हम ये कर रहे हैं इसका भविष्य में किस प्रकार से होगा, जो हम ये विषय वस्तु है, तथ्य है, इसका भविष्य में वो किस प्रकार से प्रभावित करेगा, तो ये होता है पूर्व कथन। आज हम जो कथन कर रहे हैं वो आने वाले समय में सही साबित होता है या नहीं होता है, तो वैज्ञानिक पद्धति है तो वो क्या होना चाहिए, सही साबित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो पूर्व कथन का मतलब यही होता है, ये विज्ञान की प्रायोगिक भूमिका तैयार करता है। तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य कथन की क्षमता होनी चाहिए, वो भविष्य कर सके हम, ऐसी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और अगला जो चरण है इसका, अगला और जो अंतिम चरण यह है अस्वीकृति। अस्वीकृति, नॉन एक्सेप्टेंशन, ये जो अस्वीकृति है इसमें है पूर्व कथनी विज्ञान। अस्वीकृति इसमें यदि उपयुक्त विधि से सभी तथ्यों का पुष्टिकरण नहीं हुआ है तो मान्य कथनों को स्वीकार्य धारणाओं से क्या किया जाएगा, विलग, मतलब अलग किया जाएगा। अस्वीकृति, अगर हमने जिस तथ्य की, जिस घटना की, अगर हमने उसका पुष्टिकरण जिस प्रकार से हम वैज्ञानिक पद्धति से उसका विश्लेषण कर रहे थे, उसका पुष्टिकरण कर रहे थे, अगर नहीं होता है तो उस तथ्य को घटना से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे।
उस तथ्य को क्या कर देंगे, घटना से अलग कर देंगे, और यही है होता है नॉन एक्सेप्टेशन। तो ऐसे विकृति में यही है, सभी तथ्यों का पुष्टिकरण अगर नहीं हुआ है तो मान्य कथनों को स्वीकार्य धारणाओं से क्या कर देंगे, जो मान्य है उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, विलग कर देंगे, क्यों, वो क्या है, उनको हम प्रमाणित कर चुके हैं। तो ये हमने वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण है उनका अध्ययन किया, और आगे वाली क्लास में आगे वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।